वहीं बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर चिराग मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इससे पहले बीजेपी नेता सूरजभान चौहान और उनकी पत्नी प्रतिभा चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एलईडी स्क्रीन पर पीएम मोदी के संबोधन को सुना। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। 42वें स्थापना दिवस की बधाई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 42वां स्थापना दिवस है। जिस तरह से हर क्षेत्र में हर मंडल में पार्टी स्थापना दिवस को मनाया गया है, तो ये हमारी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है और कार्यकर्ताओं ने बहुत धूमधाम से ये मनाया है। शोभा यात्रा निकाली गई पूरे क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और सभी ही हंसी खुशी स्थापना दिवस को ये मना रहे हैं और सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और इसी मौके पे जैसे अब डिस्पेंसरी का उद्घाटन में बहन जी ने किया और बहन जी ने बनवाया, हम मोदी जी का और बहन जी का, सब पब्लिक भी और कार्यकर्ता भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे सारी चीज़ें याद आती हैं और इंसान को याद करनी भी चाहिए। आज हमारे चिराग दिल्ली मंडल में मंडल अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौहान जी और हमारे जिला के महामंत्री भाई राकेश सोनकर जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। भव्य शोभा यात्रा शेख सराय, पंचिल विहार और जगदम्बा कैंप के निवासियों के बीच में निकाली गई। सभी क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला और बहुत अच्छा लोगों ने इस कार्यक्रम को बताया। ऐसे कार्यक्रम सदैव होते रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी LED स्क्रीन पर सभी क्षेत्रवासियों ने सुना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।